हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने प्लेलिस्ट, जो कि प्लेलिस्ट से आप अपनी वीडियो को वायरल किस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता होगा कि प्लेलिस्ट से क्या होता है, कुछ नहीं होता, पर आप सबको यही नहीं पता कि प्लेलिस्ट से कैसे व्यूज़ आते हैं। तो चलो चलो चलते अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर। तो कि जैसा कि दोस्तों हम सब ने बात करी थी कि प्लेलिस्ट से आप अपनी वीडियो पे व्यूज किस तरीके से बढ़ा सकते हो, तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में चले जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब एप्लीकेशन में जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो उसके लिए आपको अपने एक आदर जीमेल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं अपनी एक आदर जीमेल लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ये आदर जीमेल लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आप अपनी कोई एक आदर जीमेल लॉगिन करोगे तो यहाँ पे सर्च पे आपको करना है, और यहाँ पे जैसे कि मान लो मनोज भाई की वीडियो है, क्योंकि मैं मनोज भाई का चैनल खोलता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं नीचे नीचे स्क्रॉल करता रहूँगा, ये देख सकते हो यहाँ पे मेरी भी वीडियो आएगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल अभी आएगी, देखना। थोड़ा स्कोर करता हूँ, आइए देखना वीडियो। जैसा कि आपको प्लेलिस्ट में वीडियो पहुँचाने के लिए फिर आपको यूट्यूब के अंदर जाना था ना, तो जैसे कि यूट्यूब के अंदर हम चले गए थे। यूट्यूब में जाने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कि कोई भी जिस कंटेंट के ऊपर आप वीडियो, जो आपका कैटेगरी हो, आपको वो चीज टॉपिक करना है, मतलब सर्च करना है टॉपिक। जैसे कि मेरी कैटेगरी है यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें, मैंने ये अपना टॉपिक सर्च करा, ठीक है। जैसे कि मैंने अपना ये टॉपिक सर्च किया, उसके बाद कि फर्स्ट नंबर पे देख सकते हो ये चुटकी में वीडियो वायरल होगा 100%, ये कि मनोज भाई के 6 महीने पहले इन्होंने अपलोड की थी, जो कि इसके 3 वीडियो के 3 डॉट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे दिख रहा होगा सेव टू प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैंने अपना प्लेलिस्ट बना रखा है, तो यहाँ पे आपको तीनों पे सेव कर देना है, जो कि आपको अपने प्लेलिस्ट का नाम रख लेना है। जैसे कि मैंने इन तीनों प्लेलिस्ट में सेव करी, इसके बाद आपको अपनी खुद की वीडियो, मतलब जिस वीडियो के ऊपर व्यूज़ बढ़ाना चाहते हो उसको आपको करना है प्लेलिस्ट में। जैसे कि मैंने अपने इस वाली वीडियो को बढ़ाना है, तो मैं इसको ही प्लेलिस्ट में कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको हटा के दोबारा आपके सामने करके नीचे डन कर देता हूँ, जो कि मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में चले गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि मैं अपने इस वाले चैनल को खोलता हूँ, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे देख सकते हो ये देख सकते हो ये मनोज भाई की 2 वीडियो है, 3 वीडियो है, 4 वीडियो है, क्योंकि आपको अपनी वीडियो इन वीडियो सेकंड नंबर पे रखना है, क्योंकि इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है। फिर से आपको एक और कोई आपका जो भी कैटेगरी हो, आपको वो कैटेगरी चूज़ करके रखनी है, क्योंकि मैं सौरभ भाई की वीडियो के नीचे अपनी वीडियो को लगाना चाहता हूँ, क्योंकि इसको मैं ऐसे करके इसको यहाँ पे सबसे फर्स्ट सेकंड नंबर पे लगा दूँगा, जो कि मनोज इन्हीं सौरभ जोशी भाई के नीचे। फिर सेकंड नंबर पे आ गया, इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको आ जाना है अपने वाईटी स्टूडियो ऐप के अंदर। जैसा कि मैं आ गया अपने वाईटी स्टूडियो ऐप के अंदर आने के बाद, अगर आपको पता करना है कि आपकी वीडियो प्लेलिस्ट में गई है नहीं गई है, तो आपको सिंपली अपने वीडियो पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर नीचे एनालिटिक्स पर क्लिक करना है, एनालिटिक्स पर, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पर देख सकते हो मेरी वीडियो जो की है प्लेलिस्ट में जा चुकी है। यहाँ से इसको व्यूज़ के ऊपर क्लिक करने, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो कि 13 व्यूज़ आए हैं। रिच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि 1K इम्प्रेस गई है इसकी, इम्प्रेस पे क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो प्लेलिस्ट 17 लोगों, मतलब कि 17 प्लेलिस्ट में मेरी वाली वीडियो जा चुकी है। ओके, अगर आपको भी अपनी इस वीडियो को प्लेलिस्ट में भेजनी है तो इसी तरीके से आप भी करो, आपकी वीडियो 100% प्लेलिस्ट में जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।